कह लीजिए बहुत फेवरेबल डॉग है, बहुत देर से है लेकिन ये हम आपके एक ऑन मूवी में भी था। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, जो आप प्यार दे रहे हैं, जो टाइम देते हैं हमारे वीडियोस देखने के लिए और जो आप सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली और बड़ी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक्स फॉर पार्ट ऑफ बीइंग अ फैमिली ऑफ बादल भंडारीज। आज मैं आपके साथ में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपकी डिमांड के हिसाब से। मुझे काफ़ी सारे लोग बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक सुंदर सा अच्छा सा जर्मन स्पिट्स दिखाइए, जर्मन स्पिट्स के साथ में एक वीडियो बनाइए। तो आज ये मेरे साथ में भाई साहब बैठे हैं, ये ही इज़ 7 ईयर्स ओल्ड और ये भाई साहब का नाम है ब्रूनो, राइट? ये ब्रूनो नाम है जी इसका और ये 7 ईयर्स का है। ये बहुत ही मज़ेदार डॉग है, घर में बहुत लाडला है, इसको बड़े शौक से रखते हैं, इसको मेंटेन करना ऑफ़ कोर्स, बड़े बाल हैं, हैवी फर है, इसके भी बाल बहुत झड़ रहे हैं इस समय। वो जो बालों को, जो बालों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको डेली ब्रशिंग करनी चाहिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 वगैरह देना चाहिए, वो सब चीज़ तो मैं हमेशा बताता हूँ। आज मैं थोड़ा सा स्पिट्स के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये इंडिया का कह लीजिए बहुत फेवरेबल डॉग है, बहुत देर से है लेकिन ये हम आपके एक ऑन मूवी में भी था। ये भाई साहब थोड़े से उससे क्रीमिश कलर के हैं, वो थोड़ा ब्राइट वाइट था, तो इसमें कलर जो है वो वेरी कर जाते हैं, इससे थोड़ा और येलोइश भी हो सकता है और इससे थोड़ा और ब्राइट भी हो सकता है। साइज़ इनका ऑलमोस्ट इतना ही जाता है, ही इज़ अराउंड 7 kg, 7 to 10 kg। अगर जो स्पिट्स हैं कई बारी उसमें स्पिट्स में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड आते हैं, कहीं थोड़ा बड़े हो जाते हैं, कहीं थोड़े और छोटे होते हैं इससे, लेकिन इसका जो फ़र है वो इसकी ब्यूटी है, इसके फ़र को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए डॉग है जो ज़्यादा महंगा डॉग नहीं लेना चाहते, जो लोग चाहते हैं कि हमने बच्चों के लिए लेना है, एक मीडियम से साइज़ का या छोटे साइज़ का डॉग हो, बड़ा महंगा ना हो, एंटरटेनमेंट अच्छी हो, रौनक अच्छी लगा रखे। दे आर वेरी एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी डॉग, बट ये फैमिली डॉग है। ये उन लोगों के लिए डॉग है जो लोग अपने डॉग को अपने बेड पे बैठने देना चाहते हैं, जो लोग अपने डॉग को अपने सोफ़ा पे बैठने देना चाहते हैं, जो लोग अपने डॉग को अपनी गाड़ी में घुमाना चाहते हैं। ऑफकोर्स दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फैमिली। मेरे लिए डॉग फ़र्क नहीं पड़ता वो सेंट बर्नार्ड है, फ़र्क नहीं पड़ता वो चौचो है, चुहावा है, फ़र्क पड़ता है कि वो एक सोल है, वो एक इम्पॉर्टेंट सोल है। किस बॉडी में फिट हो गई ह्यूमंस की तरह नहीं कह सकते, लेकिन उसकी एक फीलिंग्स है, उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बीइंग ऑनर हमें उसे फुलफिल करना है। इस पूरे वीडियो में मैं इस भाई साहब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे मालूम है ये धमोड़ी से भी ज़्यादा, जो मधुमक्खी होती है उससे भी ज़्यादा मूड में है ये मेरे को बाइट करने के लिए, आई कैन नॉट टेक रिस्क फॉर दैट। और ये चीज़ मुझे वार्निंग इसके जो ऑनर हैं मेरे साथ, वो भी बैठे हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा, वो मुझे पहले बता चुके हैं कि भैया इसको हाथ मत लगाना, ये बाइट करता है। Anyways, that is a different thing. Call. ये जो डॉग है ये अलार्मिंग डॉग हैं बेसिकली, दे आर वॉच डॉग्स। ये अगर आपने डोर पे बेल नहीं लगवा रखी तो आपने ये डॉग रखा हुआ घर में, अगर बाहर कुछ भी पिन भी गिरेगी तो देल जैसे अलार्म बजता है वैसे ही एकदम से बोलना शुरू हो जाते हैं। टेम्परमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ नॉट वेरी कम्फर्टेबल टू कीप दीज डॉग्स, मतलब कम्फर्टेबल इन सेंस आपको इन्हें मैनेज करना है, ये मूडी डॉग होते हैं। अगर हम सोचें कि छोटे बच्चों के साथ में रखना है और ये डॉग रखना है, अगर तो इनकी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो डिपेंड करता है इसकी डॉग की और हमारे बच्चों की आपस में कितना प्यार है, कितनी बॉन्डिंग है, तो फिर ये बहुत अच्छे हैं उनके साथ में। अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो ये बिल्कुल 36 का आंकड़ा जो आपने हमेशा मूवीज़ वगैरह में डायलॉग सुना होगा वो इन पे एप्लीकेबल रहता है, बिकॉज ये टीज़ करना, इरिटेट करना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और ये खुद को हमेशा फैमिली का छोटा बच्चा मानते हैं। ये हमेशा यही मानते हैं कि हम ही फैमिली में छोटे बच्चे हैं और जो वैल्यू है, जो केयर है, जो जो कुछ भी है वो हमारा ही होना चाहिए। इनके साथ में दूसरा डॉग रखना है अगर ये ऑलरेडी, जैसे ये 7 ईयर्स का है, इसके साथ में अगर ये नया एक और डॉग ले आएंगे तो ये पॉसिबल है कि ये भाई साहब डिप्रेशन में चले जाएँ, क्योंकि आज तक तो मैं अकेला ही छोटा बेबी था इनके घर में, अब कोई नया आ गया, चाहे वो इसे पहले से ज़्यादा प्यार दें लेकिन इसको साइकोलॉजिकली लगेगा कि मेरा प्यार बट गया। तो अगर आप ऐसी ब्रीड रखना चाहते हैं सोच समझ के लीजिए, ये चीज़ देख के लीजिए कि आपको इन्हें अपने साथ में ड्राइंग रूम में बिठाना है, अपने साथ में जब आप गॉसिप करते हैं, चाय पीते हैं, चाय की जूस की लेंगे, बिस्किट खाएंगे, तो ये भाई साहब साथ में बैठेंगे, ही विल बी पार्ट ऑफ योर डिस्कशन,
इसको ये अपनी क्या बता पाएगा वो अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा, अपनी बात समझाने की कोशिश करेगा। एंड दे आर अदरवाइज दे आर वंडरफुल ब्रीड, बहुत सारे लोग हैं इसको रखते हैं और ये बहुत अच्छे से ट्रेंड हो सकते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट डॉग। सिर्फ कमियाँ नहीं है, कमी तो सिर्फ इतनी सी है कि दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़े से, वो भी डिपेंड करता है हमने शुरू से उसे कैसे ग्रूम किया। कभी भी होता है बड़े अच्छे से ग्रूम करते हैं बट वो लाइंस थोड़ी सी अग्रेशन वाली हो तो वो दिक्कत देते हैं। बट इनको प्यार करना, इनको प्यार में रहना, इनको फैमिली में रहना, फैमिली के साथ बैठना, घूमने जाना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। सो अगर आप एक छोटा सा डॉग लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू कैन ऑप्ट जर्मन स्पिट्स। आई होप ये जो वीडियो आपके साथ में बनाया है, शेयर किया है, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये आपको पसंद आई होगी, बिकॉज इस टॉपिक पे अभी तक आई हैवंट फाउंड एनी गुड वीडियो जिसपे आपको पूरा डिटेल आपको बताया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा खाते नहीं है, थोड़ा सा खाते हैं, फजी ईटर होते हैं, जो खाना बस वही खाना है, जो मूड है, जो पसंद है वही चीज़ खानी है। आप ना तो इन्होंने ज़्यादा खाना है ना आप इन्हें फोर्स कर सकते हो खाने के लिए, शौक से खाते हैं। मेडिसिन खाने में ये बहुत फजी ईटर रहते हैं, मेडिसिन ईजिली नहीं खाते, एडवांस में बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये दवाई बड़े आसानी से नहीं खाते हैं। इस पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो इसको अदरवाइज इट इज़ अ ऑसम ब्रीड। वेट बहुत ज़्यादा नहीं जाता, जैसे मैंने बताया 5 kg से लेकर 10 kg तक, साइज़ डिपेंड करेगा, मेल है तो अलग है, ये साइज़ है, अगर फीमेल होगी तो और छोटी भी हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये प्यार चाहते हैं, ये केयर चाहते हैं। अगर आपने इन्हें रखा है तो इनको प्यार से रखिए, केयर से रखिए, ये आपको डिमांड नहीं करते हैं कि आप हमें अपने घर लाइए, अगर लाए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। साईं दया करें मुझ पे, आप पे, हम सब पे, नए वीडियो के साथ नई नॉलेज शेयर करने दोबारा आऊँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, साईं दया करें, थैंक यू।